लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की पुलिस अकेडमी में 125 सब इंस्पेक्टर को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मुरादाबाद पुलिस अकेडमी में एडीजी राजीव किशन ने सभी शपथ लेने वाले पुलिस कर्मियों को बधाई देकर पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अपने फर्ज को अंजाम देने की बात कही। मुरादाबाद के भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकेडमी में आज वर्ष 2019 बैच के 125 सब इंस्पेक्टरों को शपथ दिलाई गई। शपथ के दौरान सोशल डिस्टेंस का भी पूरा ख्याल रखा गया। चाहे शपथ लेने वाले 125 सब इंस्पेक्टर हों या फिर दर्शक दीर्घा में बैठे पुलिस अधिकारी, सबने ही सोशल डिस्टेंस के नियमों का पूरा पालन किया। एडीजी राजीव किशन ने सभी पुलिस कर्मियों को पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अपने फर्ज को अंजाम देने की बात समझाते हुए सभी को बधाई दी। इस दौरान ट्रेनिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सब इंस्पेक्टरों को भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कोरोना वायरस को लेकर चल रही लड़ाई में सहयोग करने की भी बात कही। लॉकडाउन के दौरान इन सभी 125 सब इंस्पेक्टर को अलग अलग जनपद के थानों में तैनाती दी जाएगी। ये 2019 बैच के 125 सब इंस्पेक्टर कैडेट्स आज उन्होंने दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया है और पास आउट हुए हैं। आज के समारोह में आपने देखा होगा कि कोविड महामारी के चलते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं और जो एक प्रिकॉशंस रखे जाने हैं, इसकी विभिन्न गाइडलाइंस इशू की जा रही हैं, उन सभी गाइडलाइंस के तहत आज की इस परेड का आयोजन किया गया था और इसी कारण से जो पारंपरिक परेड है उसके स्वरूप में परिवर्तन किया गया था। साथ ही एक यह भी परिचायक है, यह परेड आज की जो परेड शपथ ग्रहण परेड है, यह भी परिचायक है कि विपरीत परिस्थितियों में भी पुलिस में जीवन कैसे चलता है, ट्रेनिंग कैसे चलती है और आगे आने वाले समय में सब इंस्पेक्टर्स को कोविड महामारी से लड़ने में अपना योगदान कैसे देना है, इसका भी परिचायक है। इस विषय में विचार भी किया गया था कि इसको अभी विलंब किया जाए, परंतु बाद में यही विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अधिक से अधिक संख्या में और जल्दी से जल्दी इनको ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इनको इनके जिलों में भेजा जाए जहाँ पर ये अपना योगदान दे सकें। इसीलिए इस दौरान ही इनकी ये परेड का आयोजन किया गया।